हेलो दोस्तों, मैं हूं सना खान। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सना आयुर्वेदा पर। मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने क्यों न्यू वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसी रेमेडी जो आपकी आईलेसेस और आईब्रोज को घना करेगी, साथ ही उन्हें खूबसूरत बनाएगी। यकीनन खूबसूरत आँखें हर शख्स के चेहरे का नूर बढ़ा देती हैं। अगर किसी महिला के आईब्रोज या आईलेसेस घनी हों, घेरी हों, तो वो खूबसूरती की मिसाल लगती हैं। और इसी वजह से हम सब चाहते हैं हमारी आईब्रोज यानी पल के बो हैं और आईलेसिस यानी पल के लंबी हों और घनी हों। हाँ, मेकअप के जरिए भी हम इसे घना और लंबा खूबसूरत दिखा सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जो आपकी आईब्रोज और आईलेसिस को परमानेंट घना बनाएगी, लंबा करेगी और खूबसूरत दिखाएगी और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देगी। और ये रेमेडी 100% इफेक्टिव है। इसका रिजल्ट आपको 15 दिन में नज़र आ जाएगा। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और इसका रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा। तो दोस्तों, हम इस रेमेडी को देख लेते हैं, इसे हमने कैसे बनाया है और इसका यूज़ हमें कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर लेने वाली हूँ अरंड ऑयल, जिसे हम कस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं अरंड ऑयल को यूज़ करूँगी, 2 टेबलस्पून लूँगी और इसे बॉयल में डाल दूँगी। अरंड ऑयल काम क्या करता है, ये आपके रूट के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आईलेसिस या आईब्रोज की ग्रोथ फास्ट होती है, आपके बाल घने बनते हैं, थिक होते हैं और बालों में एक शाइनिंग आती है। तो ये आपके बालों के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। सेकंड मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ नीम का ऑयल। ये नीम का ऑयल आपके स्किन के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। कभी कभी हमारे आँखों के आसपास नन्हे नन्हे लाल से दाने हो जाते हैं, एलर्जी टाइप के, तो वो नीम ऑयल से बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि नीम ऑयल आपके स्किन के कैसे भी इन्फेक्शन हो उसे ख़त्म करने की ताकत रखता है। तो यहाँ पे मैं नीम ऑयल ले रही हूँ और नीम ऑयल आपके हेयर ग्रोथ को भी फास्ट करता है। सेकेंड, अब मैं नीम ऑयल, हाँ याद रहे, मैंने नीम ऑयल 1 टेबल स्पून यूज़ करा है। अब मैं इसमें लेने वाली हूँ विटामिन ई 400 mg कैप्सूल। यहाँ पे मैं 2 कैप्सूल यूज़ करूँगी विटामिन ई के। विटामिन ई ऑयल आपके हेयर ग्रोथ को सुपर फास्ट करता है, बालों को मोटा बनाता है। अगर आपकी आईलेसिस या आईब्रोज के बाल बिल्कुल हल्के हैं, मोटे नहीं हैं, तो ये उन्हें मोटा करेगा यानी थिक बनाएगा, उन्हें ब्लैक डार्क करेगा, साथ ही ये आपकी ग्रोथ को फास्ट करेगा। इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें मिलाई हैं वो आपके हेयर ग्रोथ को सुपर फास्ट करती हैं। इसका रिजल्ट 15 दिन में 100% आएगा। तो आप इसे बस यूज़ करिए, इसका रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए। और मैं 100% बोल रही हूँ तो 100% ही इसका रिजल्ट आपको 15 दिन में नज़र आ जाएगा। आप अगर इसे 15 दिन इस्तेमाल करते हो, आप खुद इफ़ेक्ट आप देखोगे। अगर आप चाहो इसी ऑयल को आप अपने हेयर ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसी ऑयल को ज़्यादा बना के अपने हेयर ग्रोथ में भी लगा सकते हो, बालों पर लगा सकते हो, आपके बालों की ग्रोथ फास्ट होगी। और हाँ, याद रहे मैंने यहाँ पर 2 कैप्सूल यूज़ करे हैं और अब मैं इसे अच्छे से आपस में मिला लूँगी ताकि ये चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाए। फिर आप इसे स्टोर करके किसी भी शीशी में, किसी भी जार में रख सकते हैं और रोज़ रात को इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ आपको कैसे करना है, जब आप सोने जाओ बिस्तर पे, तो आपको सोने से पहले अपनी आईब्रोज़ पे और आईलेसिस पे इस ऑयल को लगा लेना है, अच्छे से लगा लेना है और फिर सो जाना है। फिर सुबह आपको वॉश करना है। ऐसे ही अगर आप 15 दिन लगातार करते हो तो आपको रिजल्ट खुद नज़र आएगा। मैं 100% इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट सच में 100% आता है और ये आपकी आईलेसिस और आईब्रोज को 100% घना करेगा। और इसका रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा आपको कितना इफेक्ट हुआ। अगर आप इसका 1 मंथ यूज़ करते हो तो आप खुद सोच सकते हो फिर आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप इसे यूज़ करिए, इसका बेनिफिट उठाइए। तो दोस्तों, आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसका रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा। अगर दोस्तों आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो या कुछ भी सवाल करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो अब मैं चलती हूँ, मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टिप्स के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।